I'm in my lane fast, call it high speed. I've been working hard. इनायत क्या कर रहे हो? ग्रेप्स खा रहे हो? कौन से हैं? यू लाइक ग्रेप्स? हेलो स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स. क्या बात है? क्या बात? ये आपकी नई गाड़ी है? ओ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. व्हिच कलर इज दिस? येलो. येलो, कूल. इसको स्टार्ट तो करो. स्टार्ट करो इसको. नीचे चार्जिंग लगी हुई है, पहले चार्जिंग को हटाओ. चार्ज हटाओ. करो स्टार्ट करो. ओ वाओ, पिछला गियर पा दिया. आगे करो, आगे. अरे 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 अरे, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल. देखो, वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको थोड़ा सा अवेयर करना है. और अवेयर किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर जब आप आओगे, ऑस्ट्रेलियन नंबर आपको मिलेगा. कई बार आपको ऐसी कॉल्स भी आ सकती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, और आपकी सारी जो पूंजी है, जो मनी है, वो लूटी जा सकती है. कैसे? अब देखो, हो क्या रहा है यहाँ पर, कई बार आपको ड्रंक कॉल्स आ सकती हैं, फेक कॉल्स हैं. बंदा आपको फ़ोन करेगा, आपको बताएगा कि भाई 30% डिस्काउंट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, गैस के ऊपर 30% डिस्काउंट चल रहा है. तो ऐसा करके आपको फंसाया जाएगा. एक तो ये ज़रिया हो गया आपको फ़ोन कॉल करने का. दूसरा ज़रिया ये होता है कि कई बार आपको टॉपिक दूसरा बना लेंगे. दूसरा टॉपिक, जैसे कि उसने कहा कि आपका एबीएन बंद कर दिया गया है, टीएफएन के ऊपर हो गया है, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन किसी ने यूज़ कर लिया है, आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो हैक कर दिया गया है. आज मेरी वाइफ को मैसेज आया कि आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो किसी ने यूज़ किया है. तो मैंने उससे पूछा, मुझसे पूछने लगी, देखो क्या है. तो मैंने उससे पूछा, तेरा पेपाल का अकाउंट है? कहती नहीं. ये गलतियां होती हैं. कभी भी आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. देखो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको वाकई में कॉल करते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए कि आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो जो आपके एरिया में अच्छी है, जो आपको सस्ती पड़ी है. लेकिन इसके चलते जो बाकी है ना, वो भी ख़राब कर देते हैं. हमें लगता है कि यार ये भी फेक कॉल हो सकती है. तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, कभी भी ये गलती नहीं करनी है. पैसे के लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है. सारी चीज़ें आप चेक करिए. और एक बात तो हद हो गई, मैंने, मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया, ट्रंक कॉल थी, और वो अपना ही बंदा था, अपना मतलब देसी बंदा था, पता नहीं कौन सी कंट्री से था. उसको हिंदी आती थी, पंजाबी भी आती थी, ठीक है. आप कुछ समझदार हो कि वो कौन सी कंट्री के हो सकते हैं जिनको हिंदी और पंजाबी आती है. मैंने उससे पूछा, वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर गया था. देखो, जब कोई अपना बंदा करता है इंग्लिश में बात, तो वो पता लग जाता है, ठीक है. तो मैं उससे पूछा कि भाई कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा. मैंने पूछ ही लिया, मैं कहा भगवान से डरो, आपको दो पैसे बन रहे हैं लोगों को लूट के, उससे डरो कि आपने धोखाधड़ी में कितना है. एक पैसा मान लीजिए आप कमा भी लोगे, कल को कोई ऐसी बीमारी लग गई तो आपका ये सारा पैसा क्या काम करेगा आपके. कहता भाई मुझे करना पड़ता है, यहाँ पर तो पैसे नहीं है, यहाँ पर तो नौकरियाँ नहीं है, यही काम है, ऐसा बातें करने लग गया था, ठीक है ना. तो मैं आपको सभी को यही अवेयर करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर भी ऐसी होती हैं, फंसना नहीं है, प्रॉपर वे के साथ उनसे बात करिए. और वैसे भी आज मेरे से एक और बात हो गई कि आज मेरे को एक कॉल आई, बंदा हिंदी में बात कर रहा है और मुझे कह रहा है कि आपका नंबर मुझे मिला है, आपके इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज़ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर वही एक ही टॉपिक 30%. कोई फंस गया, नहीं फंसा ना जी. सो ये सारी बातों का ध्यान में रखिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. इनायत क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग पियानो. Say hi to everyone. Hi everyone. How are you today? और
अभी आगे वी लोग आएंगे और भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। घूमने जा रहे हैं मेलबर्न, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं टूरिस्ट वीजे के ऊपर, 3 साल का उनका टूरिस्ट वीजा लगा था, इंडिया से आ रहे हैं और उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछे इमिग्रेशन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में, दिल्ली में और मेलबर्न में हमें घूमने जाना है या कहीं और घूमने जाएंगे तो आपको बताते रहेंगे साथ साथ में, बहुत फन होगा। वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने आते ही रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव भी आती रहेंगी। अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, थोड़े घूमने फिरने की वीडियो डालने शुरू करेंगे क्योंकि अभी हमारे को मौका मिला है। वैसे तो कभी मौका मिलता नहीं है, काम की वजह से बंदा बिजी रहता है यहाँ पर। एक और बात, बंदे ये मेरे कई वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, मैंने लेटेस्ट पढ़ा कमेंट कि मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ, यहाँ पर काम नहीं मिल रहा। मुझे तो हैरानी की बात है, अगर मेट्रो सिटी में काम नहीं मिल रहा तो मिलेगा कहाँ पर। कल मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया कि हमारे लड़के ने मूव करना है एडिलेड में, तो क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है मेलबर्न में। मैं कहा देखो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर में मिलती है, कोई गारंटी वगैरह नहीं होती लेकिन मिल जाती है। लेकिन उसने मुझे कहा कि यार मेलबर्न में तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऑब्वियसली बात है, सिडनी मेलबर्न जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एडिलेड। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं मेलबर्न सिडनी में। एडिलेड में भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है कि आप मेलबर्न सिडनी में बैठ गए तो आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है और काम भी लोग ज़्यादा करते हैं और काफ़ी चीज़ें मतलब डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर डेवलप्ड सिटी है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती हैं। राइट नाउ बाय बाय कर दो, बाय नॉट स्टूडेंट, बाय व्यूअर्स, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओ वाओ, आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाई है इनायत के साथ। कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, उसके ऊपर हम एक तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे अगर मेरे पास उसकी नॉलेज होगी, क्योंकि इस चैनल का जो काम है वो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, ताकि आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हो और आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने कई वीडियोस में इतनी चीज़ें दिखाई हुई हैं, मेरे को सब्सक्राइबर जो है वो मैसेज करते हैं कि भाई आपके सर आपका हमने चैनल चेक किया, हमारे को सारी चीज़ें पता लग गई, हमें लगा ही नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं। कुछ भी आपके मन के अंदर डाउट है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो कुछ भी, तो आप नीचे कॉमेंट करो। अगर मेरे में वो कैपेसिटी होगी आपको वो नॉलेज देने की, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है और मेरे इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आप बड़ी बड़ी मस्त फोटोज देखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, बाय बाय। नोइन आयत, ये पापा की है, नहीं लगाते आंखें खराब हो जाएंगी, कम ऑन। हो टूट गई, ना 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 तोड़ी, डांस डांस डांस, वाओ।